दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बंदे को किसी भी बाइक में बैठाकर उसे खड़ा करके कैसे चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसी का एक दो डाउट था तो मैं उसे भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको अगर न्यू सिटी में जाने का रास्ता नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं कि इसी रोड से न्यू सिटी की ओर जाते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू सिटी का घर भी इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से इस बंदे को बाइक में खड़ा करके चला सकते हैं। उससे पहले किसी ने कमेंट किया था कि हम इस बंदे में गैलरी से केप या ड्रेस को तो चेंज कर सकते हैं, तो फिर हम इस किसी भी बाइक के कलर को या कार के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें शर्ट या टी शर्ट को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी बाइक या कार के सामने नहीं जाना है, उसके दूर से ही आप अगर गैलरी में जाएंगे तो वहाँ से आप आसानी से केप या बैग या इसके टी शर्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाइक या कार के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाइक के सामने जाना होगा और बाइक में बैठने का ऑप्शन आएगा तो ही आप बाइक के कलर को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं उस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप बाइक को खड़ा होकर चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बाइक में बैठ जाना है, कोई सा भी आपको एक बाइक लेकर बैठ जाना है। इसके बाद कोई सा भी एक कार के सामने आपको जाना है, जो भी कार हो, या मैं खुद से ही एक कार को बुला लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इस प्रकार से आपको कोई सा भी एक कार को बुला लेना है, जैसे मैं 800 डायल करके अपना बुकाटी को बुला लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बुकाटी के बैठने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें इस प्रकार बैठ के दोनों बाइक और कार को एक ही लाइन में पहले लगा लेना है। मैं जैसा जैसा करता हूँ आपको उसी प्रकार से करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको भी कुछ इसी प्रकार से कर लेना है। उसके बाद आपको भी इस बाइक के यहाँ पे आगे की ओर चला जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप देख सकते हैं कि बाइक और कार दोनों में एक ही साथ बैठने का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे आपको बैठ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो बंदा है वो बिल्कुल सीधा बैठ चुका है, तो अभी थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं हुआ है। तो हम पहले कार में जा कर बैठते हैं और कार को पहले सीधा कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से न्यू बाइक या कार को मंगा लेते हैं, नहीं तो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं ZX10R को पहले इस प्रकार से किसी भी कार या बाइक, दो कार या एक कार और एक बाइक को बुला लेना है। उसके बाद यहाँ से बैठ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यह बंदा किस प्रकार से खड़ा हो चुका है। और आप एक गाड़ी को चलाएंगे तो दोनों गाड़ी आसानी से चलेगा, इसमें दो ट्रिक वर्क करता है। इस प्रकार बैठेंगे तो आप देख सकते हैं कितना गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, जैसा कि आप वो कार को भी देख सकते हैं कि उसे भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। और जो पीछे में मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कार है उन दोनों कार को भी मैं ही चला रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यह बंदा किस प्रकार खड़ा होकर इस बाइक को चला रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी तरफ से। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक बताने वाला था। अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।